भारत की इकोनॉमी को समझना है ना, तो दलाल स्ट्रीट में बैठ के या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये वहाँ से इकोनॉमी का नहीं वो होता है। कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो तो सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है कि फील गुड फैक्टर है कि नहीं, आप कैसा फील कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, वो तो सारी एक फीलिंग है, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ चल रही है, वो तो आप स्पेकुलेशन का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो असल चीज़ है, मेरा ये मानना है कि यू हैव टू ट्रैवल टू द विलेजेस टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी ऑपरेट्स। आप वहाँ के अड़त की जो मंडियाँ हैं, वहाँ की जो सब्जी की मंडियाँ हैं, फ्रूट की मंडियाँ हैं, आप वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ के तालाबों का हाल देखिए, वहाँ के स्कूल्स का हाल देखिए, वहाँ आप गांव जाइए, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर आपको। लेकिन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी ऑपरेट्स, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, हमारी स्पाइन जो है, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी कांट विश इट अवे। हम कृषि प्रधान इकोनॉमी हैं, हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम माउस इकोनॉमी में आ रहे हैं, लैपटॉप इकोनॉमी में आ रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड, टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए, वो एग्रीकल्चर में भी आनी चाहिए, विलेजेस में भी जानी चाहिए, स्मार्ट विलेजेस भी बनने चाहिए, लेकिन टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड व्हाट इंडिया इज़, और हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारे फार्मर्स हैं, हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, तो जब भी कोई बात करता है कि हाँ जी वो स्टॉक एक्सचेंज में ये हुआ, स्टॉक ऊपर चला गया, स्टॉक का वो नीचे आ गया, ये फिगर, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये तो नंबर्स हैं, दे डोंट हैव एनी रेलेवेंस टू रियल लाइफ, यू नो, मे बी दे आर ए इंडिकेटर, आई डोंट नो, बट द रियल थिंग हैपन्स when the moment you you know move away from urban spaces and you go to the villages, you see the countryside. India is such a beautiful, such a vast country. Aapka abhi bhi 90% land jo hai wo aapka rural hai, to usko samajhiye, usko study kijiye, aap usko study karenge to aapko India ke bare mein asal mein pata chalega.